हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग गाइस। तो आज का व्लॉग है फिर से लीविंग माय होम टू अ न्यू प्लेस। तो फिलहाल मैं अभी मेरे घर पे हूँ सोलापुर में एंड फिर से मुझे पैकिंग करनी है जो सारी चीजें मैं हॉस्टल से लेके आया था एंड जो अभी जरूरत वाली चीजें होगी मेरे लिए वो सब मुझे फिर से पैक करनी है एंड अभी हमें जाना है पुणे। आई एम शिफ्टिंग टू पुणे। यार रजुदा ने उसका रूम टूर किया यार। तो दिस इज माय स्टडी टेबल ओवर हियर एंड अभी फिलहाल तो डिसऑर्गेनाइज बोल सकते हो इसे, बट ऐसा देखो ये गिफ्ट है। दिस इज अ कैलेंडर गिवन बाय रजुदा। दिस इज द स्केच गिवन बाय रजुदा। दिस इज अगेन अ स्केच गिवन बाय रजुदा। दिस इज अ स्केच मेड बाय रजुदा एंड अगेन यहाँ पे पिकी ब्लाइंडर्स। Again, this is made by Rujuta. And the largest painting in the room, ये भी Rujuta ने। तो आप देख रहे हो मैंने सिर्फ एक ही आर्ट किया है रूम में। ये लॉकडाउन के समय दो ऐसे 5-6 फोटोज थे मोटिवेशन के लिए। यार क्या करे अभी, ऐसी तो क्रिएटिव स्किल्स है नहीं हमारे में कुछ। अपार्ट फ्रॉम दैट ये देखो कितना क्रिएटिव हूँ मैं। ये ऐसी चीजें सब मैं कर सकता हूँ। स्टडी टेबल मेरा बहुत ही ऐसा फेवरेट प्लेस बोल सकते हो रूम पे। एंड This is the Adi Yogi, the Shivling, and this is the Rudraksh. And I swear, मैं पहले बिल्कुल भी like अभी भी मैं religious नहीं हूँ, मैं थोड़ा बस spiritual side पे ज़्यादा हूँ. But ये जो है ना, मैंने जब मैं ऋषिकेश गया था ना, तो तभी I got very spiritual over there, and मुझे ऐसा पसंद आया, मेरे को ऐसा चाहिए था. I felt some kind of energy over there, and मैं उस वहाँ से ही शिवा की ये मूर्ति शिवलिंग एंड रुद्राक्ष लेके आया हूँ. बस साथ में रखता हूँ, एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है इसके लिए, बस बाकी कुछ नहीं. तो ये था बेसिक वाला रूम टूर, और आपको मैं सब क्विक दिखा देता हूँ मेरे रूम कैसी है फिलहाल। बहुत ज्यादा कचरा है बट इट्स ओके। अगर आप देख सकते हो अंदर के साइड पे तो यहाँ पे बुक्स एवरी बुक एंड यहाँ पे ऐसे 3-4 बुक्स है जो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स में पढ़ रहा हूँ। थिंक लाइक अ मॉन्क वेरी नाइस बुक। हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर एक है, ये बुक मुझे अभी पढ़नी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। एंड This is the school frame. This is me, the malnourished kid. And this is the OG. जैसा मैंने बताया रुजुता ने स्केच दिया मुझे ये पीकी ब्लाइंडर। I hope यार अगर आप लोग में से थोड़े भी लोग पीकी ब्लाइंडर्स फैन हो गए तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए, बिकॉज आई एम अ ह्यूज टॉमी शेल्बी फैन। Hi mom. Hi. So my mom is going to help me in packing all this. तो प्लीज पैक करो यार। यार ये ऐसा मम्मी रहे तो काम फटाफट हो जाता है, तो उसके लिए तो मुझे पैकिंग की जरूरत पड़ेगी मम्मी की। ये मेरा कपाच है, ये कपाच कपड़े। नॉट जस्ट डॉक्टर को भी लेके जाना है हम लोगों को साथ में। छोटे छोटे कैनवास पेंटिंग्स लेंगे, बुक्स लेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। वहां पे जा रहा हूँ मैं प्रिपरेशन के लिए, तो एक भी बुक यहाँ पे मिस नहीं होनी चाहिए। मतलब आप लोगों को ऐसा आइडिया है या नहीं मेरे को याद नहीं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया नहीं, लाइक अभी मैं जैसा मूव आउट हो रहा हूँ कि मैं मेरे घर से पुणे जा रहा हूँ अभी फॉर प्रिपरेशन। एंड अलोंग विद प्रिपरेशन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ इंपॉर्टेंट है, जैसा कि यूट्यूब मैनेज करना। मैंने ऐसा सोचा कि मैं अगर घर पे रहूंगा तो मेरी लाइफ बहुत ज्यादा लेड बैक हो जाएगी, बहुत ज्यादा। तो आई डोंट वॉन्ट दिस लेड बैक लाइफ, मुझे अपना आइसोलेटेड माहौल चाहिए एंड मेरे और रुजुता की ट्यूनिंग भी होनी चाहिए। So for that reason I am going to Pune. So I am pumped up for that. आई तुला आठवण येणार का माझी, मी चाललो उद्या। कसं करणार मला आता, कोण इथं माझं नाही, मी ब्लॉग मध्ये टाकणार आहे। आठवण येईल का नाही तुला माझी? आठवण रोज येणार, सारखी येणार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे नए घर में। वेलकम। अभी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आनी बाकी है। हेलो सरक, तू क्या बीच में आ रही सरक जरा। सो दिस इज द किचन, यहाँ पे है हमारा सुंदर सा किचन, ये हमारा हॉल एंड दिस इज द बेडरूम, यहाँ पे है बेडरूम। तो अभी बहुत सारी चीजें आनी बाकी है, सारा फर्नीचर आना बाकी है, स्टडी टेबल एंड एवरीथिंग। बट आज हम यहाँ पे मूव इन हो रहे हैं, सारा सामान ऑर्गेनाइज करने वाले हैं बेसिकली। एंड देन यहाँ पे बेडरूम नंबर 2,
और ये पुणे के लोग इधर इधर आए हैं। हेलो, तो अभी हम आए हैं यहाँ पे होम सेंटर में एंड थोड़ी बहुत एसेंशियल लाइक पिलोज एंड बाकी क्या लिया हमने, पिलोज, नैपकिन, बेडशीट एंड हाँ एंड थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसे दो छोटे ड्रॉज लिए हैं। यहाँ पे फ्लैट शुभारंभ। तो अभी तो वी आर सेटिंग अप द किचन। तो अभी तक मेरा फर्नीचर आया नहीं है फ्लैट पे एंड जो एसेंशियल फर्नीचर है जैसे कि बेड, कबर्ड, सोफा, तो वो मैंने सब रेंट किया है एंड ऑनलाइन साइट से रेंट किया है मैंने, तो वो अभी आना बाकी है। एंड बाकी द मेन थिंग स्टडी टेबल, बुक शेल्फ एंड चेयर, वो कल आने वाली है। तो फ्रॉम टुमारो आई कैन लाइक स्टार्ट द डेली रूटीन। तो एक बार ओवरव्यू देते हैं सामान क्या क्या लाया है। बेसिक हमने कॉफी, स्नैक्स, मूसली, दूध, ये कुछ तो स्नैक्स, जवार पफ्स, केचप, टेट्रा पैक्स, प्रोटीन बार्स, पीनट बटर एंड बोर्नविटा। या और ये घर में खाना चालू है। अभी थोड़े बहुत चेंजेस हो चुके हैं फ्लैट में। एज यू कैन सी ये पूरे फ्लैट में की मेरी मोस्ट अवेटेड चीज़ थी, दैट वाज दिस स्टडी टेबल। ये मैंने खुद के लिए बना के लिया है, दैट इज देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस। मेरा पर्पज यही था एंड वाइट मुझे चाहिए था विद अ गुड व्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेजेंट लगना चाहिए एंड इधर बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज होनी चाहिए एंड फिट होनी चाहिए। दिस इज अ मिनी बुक शेल्फ दैट आई हैव गॉट। तो यहाँ पे मैं अभी सारे बुक्स अरेंज करता हूँ। तो अभी मेरा बुक शेल्फ एंड स्टडी टेबल अरेंज हो गया है करके एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू शो यू गाइस। पहले तो ये बुक शेल्फ देखिए आप लोग, ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट बुक शेल्फ है एंड इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, तो मैंने क्या किया, ईयर वाइज सब कुछ अरेंज कर दिया एंड अभी मैंने पूरा टेबल अरेंज किया है एंड आई स्वेयर मुझे आज तक बस ऐसा ही टेबल चाहिए था एंड ऐसी ही अरेंजमेंट चाहिए थी जो फाइनली मुझे मिल रही है एंड आई एम सुपर हैप्पी अबाउट इट। अभी देखो आप, ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा स्पेस। दिस इज माय ब्यूटीफुल टेबल एंड सबसे ब्यूटीफुल चीज तो है ये व्यू। तो गाइज आपने अभी जो देखा दैट वॉज जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ माई न्यू हाउस एंड मेरा सारा फर्नीचर आ चुका है। सो यू हैव टू वेट फॉर द हाउस टूर, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग ऑसम। तो प्लीज़ इस वीडियो के खत्म होने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे हम दोनों को फॉलो कीजिए एंड अगले सैटरडे का वेट कीजिए फॉर द न्यू हाउस टूर। यू वांट सम ग्लिम्स, एवरीथिंग इज सेट, ललन टॉप एकदम। बाय बाय।